अल्टीमेटम के बाद भी योगी के आदेश हुए हवा हवाई, बस स्टैंडों पर डग्गा मार वाहनों का कब्जा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जहां बीते दिन 24 घंटे के अंदर अवैध बस स्टैंडों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही थी, वहीं दूसरी ओर अलीगढ़ में योगी आदित्यनाथ के आदेश हवा हवाई होते नजर आ रहे हैं। यही कारण है डगमार वाहनों के द्वारा जगह जगह बस अड्डे के बाहर वो अन्य जगहों पर अपने अड्डे बना रखे हैं और डग्गेमारी करते हुए हर रोज सवारियों को ढोने का काम किया जाता है, जिससे लाखों रुपए की क्षति राजस्व को पहुंचाई जा रही है। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ का है, जहां अतरौलिया, छर्रा, कासगंज व अमापुर बस यूनियन के पदाधिकारियों के द्वारा संभागीय परिवहन अधिकारी फरीद उदिन को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उनके द्वारा मांग की गई है कि हर रोज डग्गामार वाहनों की वजह से उन्हें लाखों रुपए की क्षति होती है। जहां उनके द्वारा परमिट लेकर लाखों रुपए राजस्व को जमा किए जाते हैं, वहीं दूसरी ओर डग्गामार वाहनों की वजह से जगह जगह बस स्टैंड बनाए हैं। बस यूनियन के पदाधिकारियों के द्वारा ज्ञापन देते हुए डग्गामार वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उनके द्वारा योगी आदित्यनाथ के 24 घंटे के अल्टीमेटम को दर्शाते हुए डग्गामार वाहनों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें, बीते दिन योगी आदित्यनाथ के द्वारा अवैध स्टैंड के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए थे। इसके बाद आज बस स्टैंड यूनियन के पदाधिकारियों के द्वारा वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए एक ज्ञापन संभागीय परिवहन अधिकारी फरीद उद्दीन को सौंपा है। ये ज्ञापन जो दिया गया है, माननीय मुख्यमंत्री के आदेश के बाद अतरौली कासगंज बस यूनियन ने अपना ज्ञापन सौंपा है आज RTO साहब को। उसमें प्रकरण ये है कि जो अवैध रूप से टेम्पो संचालित रूट पे हो रहे हैं, अतरौली से और कासगंज से जो सवारी लेके आ रहे हैं अपनी, उससे परमिटधारी जो बसें चल रही हैं उसके लिए राजस्व देने में बड़ा हानि हो रही है। 2,30,000 रुपये प्रति महीने का हम राजस्व देते हैं, तकरीबन 30 गाड़ी परमिट संचालित हो रही हैं और वो राजस्व नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि अवैध रूप से सवारी टेम्पो अपने साथ लेकर जा रहे हैं। तो इसलिए आज ये ज्ञापन दिया गया है कि ARTO साहब या RTO साहब इस पर उचित कार्रवाई करें और जो अवैध वाहन चल रहे हैं, अवैध जो टेम्पो चल रहे हैं, उनको सीज किया जाए। तो आज इस तरीके का ज्ञापन दिया गया था। मेरा नाम प्रसून महाजन है, मैं क्या कहते हैं सेक्रेटरी हूँ अतरौली कासगंज यूनियन का। किसके माध्यम से किसके नाम अतरौली कासगंज अमापुर बस यूनियन के माध्यम से आज हमने ज्ञापन दिया। टेम्पो को लेके संचालित हो रहे हैं सर, किस तरीके का मामला, किस तरीके का ज्ञापन दिया गया? जी, निजी मार्गों पर प्रायः टेम्पो के संचालन की शिकायत प्राप्त हो रही है। इस संबंध में हमारे प्रवर्तन अधिकारी सजग हैं और नियमित रूप से इन वाहनों के विरुद्ध अभियान चला रहे हैं और ये अभियान एक किसी मार्ग पर सीमित न होकर जनपद के सभी मार्गों पर चलाया जा रहा है। आज भी अतरौली क्षेत्र में अभियान ARTO प्रवर्तन श्रीमती अमिताभ चतुर्वेदी के द्वारा चलाया जा रहा है। कल भी अकराबाद और पनेटी क्षेत्र में चलाया गया था। इसके पूर्व खैर क्षेत्र में भी अभियान चलाया गया है और जनपद के सभी मार्गों पर कड़ी चेकिंग की जा रही है और जो भी परिवहन विभाग के द्वारा जो जारी परमिट है या मोटर वाहन अधिनियम के जो प्रावधान है उसका उल्लंघन कर रहा है, उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है। एक एक दिन में लगभग 50-50 वाहनों के चालान किए जा रहे हैं और 15-20 गाड़ियाँ बंद भी हो रही हैं। तो जो भी गलत चल रहा है, यातायात नियमों का उल्लंघन चल रहा है, उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है और इस संबंध में किसी के साथ कोई भी किसी को भी कोई किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जा रही है।